कोरोना वायरस से संभावित प्रभावित का सैंपल लेने में अब डॉक्टर अथवा मेडिकल स्टाफ किसी प्रकार का भय और हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। इसके लिए जींद अस्पताल के सर्जन डॉक्टर चंद्र मोहन शर्मा ने उत्कृष्ट पहल करते हुए दक्षिण कोरिया के मॉडल के आधार पर प्रदेश का पहला कोरोना सैंपल बूथ मुख्यालय के शासकीय अस्पताल में बनाया है और इसकी लागत भी स्वयं वहन करते हुए आमजन के लिए इसे दान में दे दिया। अब इससे कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अस्पताल के कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि इससे पूरा जब कोरोना के संभावित को जांच के लिए लाया जाता था तो उसके सैंपल लेने के लिए डॉक्टर अथवा मेडिकल स्टाफ अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था कि संदिग्ध मरीज के नाक और मुंह से छींक व उल्टी इत्यादि सैंपल लेते वक्त न आ जाए और वह सैंपल लेने वाले डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ के ऊपर न गिर जाए और उससे वायरस के फैलने की आशंका ज्यादा रहती थी। कार्यवाहक पीएमओ ने बताया कि दक्षिण कोरिया में बने इसी तरह के उपकरण को कॉपी करते हुए एल्युमिनियम की चादर और शीशे के साथ कैबिन नुमा फ्रेम को तैयार करवाया गया है। जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे सैंपलिंग होती है, वहाँ जा सबसे ज्यादा रिस्क डॉक्टर स्टाफ नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ को होता है। तो ये काफ़ी स्टाफ हिचकिचा रहा था और नेचुरल रूप से हर आदमी को जान का डर भी लगता है कि सैंपल लेते कोरोना वायरस थोड़ा हाईली कंटेजियस वायरस है। तो इसलिए हमने काफ़ी सोच विचार किया डॉक्टर चंद्रमोहन ने और हमने सब ने, तो हमें एक साउथ कोरिया का एक मॉडल दिखाई दिया कि साउथ कोरिया कोरोना वायरस के मामले में निपटने में अब तक लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा सफलता साउथ कोरिया को मिली है। उसने बहुत ही थोड़े केसों में पेशेंट निपटा दिए। तो उन्होंने एक जगह हमने देखा कि उन्होंने कैबिन बनाए हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर अंदर जाके बाहर से पेशेंट का सैंपल लेता है। उसी तर्ज पर हमने एक आइडिया लिया और एक कैबिन बनवाया जिसके अंदर से डॉक्टर उसके बाहर दो हाथ जो आर्म निकाल दिए जिनके थ्रू पेशेंट का सैंपल लिया जा सकता है। तो अब इसमें क्या हो गया कि पेशेंट को बाहर बैठा के अंदर से डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ आराम से सैंपल ले सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम सैंपल लेते हैं तो दिक्कत ये आती है, पेशेंट को खांसी छींक या उल्टी आ जाती है और अगर ये खांसी छींक उल्टी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर डल जाए तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो अब ये कैबिन हमने इस स्टाइल से साउथ कोरिया की तर्ज पे बनाया कि अगर पेशेंट को खांसी आ जाए, छींक आ जाए, उल्टी आ जाए तो वो डॉक्टर और उसके बीच में बैरियर का काम करेगी। टेस्ट करते वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी कमी हमने महसूस की, उसके सैंपल लेने के दौरान जो उसका कंटेमिनेशन का खतरा है और डॉक्टर सबसे ज़्यादा सामने रहते हुए उसके एक्सपोज रहता है, इसको देखते हुए इसके बारे में सोचते हुए मैंने कुछ साउथ कोरिया से एक किसी को सैंपल का लेते देखा था, उसको देखकर मैंने एक चीज़ बनाने की कोशिश की। एक कैबिन बनाया है जिसके थ्रू सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट से आप काफ़ी दूर होकर उससे सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका पेशेंट का कोई कांटेक्ट नहीं होता है और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए आप डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ सब चीज़ सैंपलिंग करने का काम कर सकते हैं।